दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली में आज दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटका लेकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि एक समय था जब चुनाव में कांग्रेस और आप एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब फिर से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के सुर तेज कर दिए हैं, जिसके चलते दिल्ली में कांग्रेस ने आपका विरोध कर सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस्तीफे की मांग की। वही दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है और मौजूदा जल संकट का कोई समाधान नहीं किया गया है। अगर हरियाणा या यूपी पानी नहीं दे रहे हैं तो केंद्र सरकार को चाहिए कि हस्तक्षेप किया जाए और समाधान भी किया जाए। जनता पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस पार्टी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। देखिए, ये पिछले 20 दिन पहले हमने इस ओर इशारा किया था। हमने सरेआम बाकायदा चिट्ठी लिखी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये बात कही थी कि आने वाले समय में, गर्मी के समय में पानी की समस्या होगी, लिहाजा जो दिल्ली की सरकार है और केंद्र की सरकार है उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता तक पानी पहुंच सके। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम के सिवा पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमने दिल्ली में जारी 58% जो लीकेज है उसकी ओर इशारा किया, टैंकर माफिया की ओर इशारा किया, और अगर इनकी समस्या थी कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है या यूपी पानी नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उसमें बीच में आना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी और इस समस्या का समाधान भी किया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में पानी की कमी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आयोजित मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी नेता सजाद पूनावाला ने भी अपनी टिप्पणी की। पूनावाला ने कहा कि ये जल संकट कल से शुरू नहीं हुआ, ये पूरे चुनाव के दौरान चल रहा है, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है और क्योंकि वे दिल्ली में आपके साथ गठबंधन में थे और सीटें साझा की थी, उन्होंने तब ये मुद्दा नहीं उठाया था। दिल्ली आज पानी की कमी का सामना कर रही है क्योंकि पिछले 10 सालों से आपने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। पूनावाले ने कहा कि दिल्ली को मिलने वाला 50% पानी बर्बाद हो जाता है, आपने पानी टैंकर माफियाओं को संरक्षण दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पानी टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई जाँच नहीं की जाती है, ये आपके साथ जुड़ाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। जल माफिया और कांग्रेस और आपके बीच चुनिंदा गठजोड़ है। कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा क्योंकि समर शुरू हो चुका था। तब कांग्रेस पार्टी क्योंकि गठबंधन करना चाह रही थी, दिल्ली में उनका सीट शेयरिंग था आम आदमी पार्टी के साथ, तो मटका फोड़ नहीं, वो अपनी चुप्पी तोड़ नहीं कर पाए, और जो चुप्पी तोड़ तब नहीं कर पाए अब मटका फोड़ रहे हैं। पर सवाल ये बनता है कि आज दिल्ली में ये स्थिति क्यों बनी है। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया, जैसे शराब घोटाले में एक बोतल पर कमीशन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाता था, वैसे ही पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। बता दें कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पानी की कमी के मुद्दे पर दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। अब देखना यह होगा कि पानी की कमी को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देखना यह है कि जनता पर किसका ध्यान जाता है, क्या जनता की समस्याओं पर समाधान जल्द निकल पाएगा। बी टू डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।